अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी वजह से आज मुझे अल्लाह बख्शे अपनी वालदा याद आ गई। हम याद है छोटे छोटे हुआ करते थे तो सर्दियाँ आई ना तो अम्मी ने कहा कि वो बड़ी पेटी जो पड़ी है स्टोर में वो खोल के उसमें से वो ऊन वाली वो रजाइयाँ निकाल लो। अच्छा। तो वो रजाई निकाली तो कसम उठा लीजिए बिल्कुल सेम जैसे मेरे भाई ने बास्केट पहनी है ना सेम प्रिंट सेम शाइन। अच्छा इस बात को दिल पे नहीं ले रहा। मैं दिल पे नहीं ले रहा, मैं इसको गुर्दे पे ले रहा। ठीक है। अच्छा एने ना देखो ना तो बड़ा खूबसूरत ड्रेस लग रहा है, थोड़ा जिना उत्ते आओ तो लगता है रजाई चो गोडा भर है। हाँ भाई मजे की बात पता है क्या है, आपको आज आपकी इस ड्रेस को देख के मुझे मेरी वालदा याद आई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मैंने एक और चीज नोट की गुलफाम जी, आयशा जी आप भी नोट कीजिएगा, आपको रंगों की ज्यादा पहचान है तो ये जामनी जामनी से होना शुरू हो जाते हैं। आज तो शेड आ रहा है फुल टाइम फेस पे। हाँ, शेड मेरे तो ही नजर है इधर लोग। ये चिकन का कुर्ता, ये सिर्फ इस तरफ चिकन हुआ, इस तरफ क्या हुआ भाईजान? असल मुझे चिकन प्रॉब्लम है। अक्सर ना अपना आशा जी के साथ मैच करके पहनना चाहता हूँ, पिंक व्हाइट। अच्छा। इधर बहरहाल आप मैचिंग तो असल में आप हम पहले ही तय कर देते हैं क्या पहनना। अच्छा, रंगों का कंट्रास्ट थोड़ा सा मिलता जुलता होगा। हाँ, यहाँ पे भी बड़ी अच्छी जोड़ी बन रही है दोनों की, देखें। कहते हैं ना अल्लाह मिलाए जोड़ी। हाँ, दूसरा मिसरा रहने दें। वैसे ये जोड़ी जोड़ी आज हो रही है, आज को हमारा गेस्ट भी जोड़ी है। बिल्कुल, आज की एक टेलीविजन की जोड़ी हमने बुलाई है। और अगर मैं आपने पूछनी है वो कौन सी जोड़ी है, मैं उनके शनाख्ती कार्ड के नाम आपको बताता हूँ। ला जी ये बड़े मजेदार चीजें होने लगी है। साहब का नाम है सलमान साकिब शेख। सलमान साकिब शेख SSS। हाँ, और उनकी बेगम का नाम है सैयदा हेरा सलमान। सलमान, चलो लेडीज का नाम थे, चलो अच्छा है। ए भाई और ही को मेरा खाली वादा करके नहीं मिल रहा। सलमान साकिब शेख। हाँ, एहो जे बंदे दी अमूमन किस्ता दी दुकान थी। इस नाम से तो इनकी को हलीम की दुकान लगती है। खुदा का वास्ता, शेख हलीम एंड नान। चलिए फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं मानी साहब और हीरा साहब से। बहुत सारी तालियों। शुक्र है मेरे नाल भी हाथ मिला लिया, लेकिन मैं उसके बाद में कह दूंगा कि धो लीजिए। नहीं, वो आज बड़े मौजब तरीके से बैठे हुए हैं दोनों। अभी तो आपकी आमद हुई है। अच्छा, ऐसे साहब को आमद होगी। माई साहब है मुलाकात सर? हाँ, टीवी से तो बहुत ज्यादा है, वैसे हम कभी ना कभी मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। जी जी जी। ये भी ये अलग तरह के शोज करते हैं, मैं अलग तरह का शोज करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं हम टकरा एक दफा हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि हम इनके शोज थोड़ा सा पंजाबियत का शिकार होते हैं तो वो गलत। देखिए, मैं खुद पंजाबी स्पीकिंग हूँ जो कराची में रहता हूँ, और मेरे अब्बा चूंकि वो लाहौर के रहने वाले थे। साकिब शेख साहब के साथ साकिब साहब के साथ मैंने ये शर्फ हासिल है कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ। बहुत अच्छी बहुत प्यार। तो कैसा रहा लाहौर का ट्रिप? लाहौर खींचता है अपनी तरफ? लाहौर मुझे तो आती, मैं सबसे पहले पाए खाने जाता हूँ। सरकार लगता नहीं कि तुम पावे खाते हो, लगता है तुम पंजे पुंजे ही खाते हो। मेरा साहब आपका लाहौर बहुत आना जाना रहता है? लाहौर तो मुझे खींचता है, ये बात सच है। तो कभी ये सोचा है कि क्यों ना लाहौर सेटल हो जाए? मैं सोचती हूँ कि लाहौर सेटल हो जाऊँ, लेकिन फिर बच्चों के स्कूल तौबा इतनी महंगी फीसें वो दे दी हुई होती है हमेशा। नहीं, तो पंजाब हुकूमत ने स्कूल फ्री तो नहीं किए? नहीं, लेकिन वहाँ दोबारा देनी पड़ेंगी ना, यहाँ एडमिशन बहुत महंगे है ना, तो वो मैं कहती हूँ एक दफा हो गए बस, अब हो गए, अब इसी में पढ़ते रहो। उन्होंने बात इतनी अच्छी की है, हर घरेलू खातून जो होती है वो सबसे पहले ये हिसाब किताब देखती है कि मेरे शौहर की जेब पे भारी ना हो। अगर यहाँ पे दोनों माशाल्लाह फनकार हैं लेकिन फिर भी इतना एहसास है। हाँ, तो ऐसी बीवी आप बहुत लकी हैं मानी। थैंक यू, बड़ी बात। तुम भी बोल दिया करो ये बात। ये ताने आगे तक पड़ेंगे। ये हमारे बहुत सारे एक्टर हैं ना, वो मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं अवार्ड्स में, या फिर वो
ऐसे बहुत सारी इंटरनेट पे चीजें हो रही होती हैं, ये मुझे बहुत कहती है कि तुम इस तरह क्यों नहीं करते, मेरे लिए अजाब हो जाता। लेकिन आप जूलियट लिख तो चुके हैं उन्हें इंस्टाग्राम पे। वो तो मैं लिखता हूँ, वो तो जब किसी के कहने पे, इनके कहने पे कभी जब बहुत प्रेशर आता है तो मैं लिखता हूँ। अच्छा, बीवियों को तसल्ली नहीं होती? मैं भी अपनी वाइफ को 4-5-6 दफा फूल दिए, फिर उन्होंने क्या कहा, मेरा सौरा माली तो नहीं कितने, कोई अच्छा परफ्यूम दे, कोई अच्छा सूट दे, आप क्या 24 घंटे फूल ले आते हैं, आपकी पूंछ तबीयत क्यों नहीं खत्म हो रही, आप एक्सप्रेसिव लगती हैं, वो नहीं लगते। हाँ, ये फिल्मी है। Oh. इसके बाद फिल्मों के रेफरेंस बहुत सारे हैं। You don't believe in emotions, you believe in practical approach. मैं बहुत practical हूँ, ये बहुत emotional है, इसको कोई आराम से बेवकूफ बना सकता है। मैंने ये सुना है कि इश्क जो होता है ये अंधा होता है। इधर तो अखीर ही होई पई। नहीं, वो हीरा भाभी की मासूमियत यहीं से पता चल रही है कि वो कितनी मासूम है, कि उन्होंने हमारे भाई से शादी कर ली। ये कैसी, इस पे तो लड़ाई होगी, इतना इतना पुराना मॉडल। ये कैसे कहा आपने मेरे मियां को, फौरन माफी मांगे? नहीं, हम आपके भाई हैं, वो हमारे बहनोई हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मानी ने मुझ पे एहसान किया है मुझसे शादी करके, क्योंकि अगर मेरी मानी से शादी ना होती। गिनीज बुक में नाम आएगा इनका कि दुनिया की वाहिद खातून जिसने ये कहा, मैं मेरे खावन ने मुझसे शादी करते हो, और आज इसने इसकी वजह से मैं हीरा मानी हूँ। शादी से पहले की कुछ जी लम्हात वो आपकी खिदमत पेश करना चाहूँ। जब मोहब्बत होती है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वादे इकरार होते हैं कि तुम नहीं तो मैं नहीं तो तुम नहीं, 6 महीने लंघ देने शादी तो बाद फिर वही बुढ़ी कह रही होती है आज तो नहीं थी आप। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, मैं मालूम है कि आपकी इस ये जो बातें आप करती हैं इससे बाकी औरतों पे कितना प्रेशर आता है। कुछ लोग तो ये भी फील करते हैं कि ये ओवरडू कर रही है। हाँ, ये पता नहीं क्यों। और ये पता नहीं ये ड्रामा ना कर रही हो। इस तरह नजर भी लग सकती है तो ये साथ रखा करें। आप लोग समझते हैं कि ये कलर जो है ये ब्लैक है? नहीं, ये तो हिट है, हॉट कलर। ये ब्राउन मुंडे हैं आप? ये चॉकलेटी कलर है। बिल्कुल, आपको तो कहा मैंने ब्राउन मुंडे। सानू क्यों चॉकलेट तो नफरत कर। आपको पता है कि बाहर के ममालिक है वहाँ लोशन लगा के वो धूप में बैठते हैं कैसी रंगत हो जाए। अपना मुल्क बहुत अजीज है, मैं लानत भेजता हूँ बाहर जाने पे, कोई भेज सकता है? बहुत अच्छा कपल, और इतना के रश्क आता है कुछ लोगों को आपको देख के। इन रियल भी ऐसा ही है या खटपट होती है? बहुत होती है। अच्छा, मानी और मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हाँ। लोगों की लड़ाई है, तुम्हारे भाई ने फलाना कर दिया, तुम्हारी बहन ने भी कर दिया, तुम्हारा मुजम्मिल को देखो, इब्राहिम को देखो, ये लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई अपने पे नहीं है। शादी के शुरू के 2 साल हमारी इतनी लड़ाई हुई थी कि मुझे लगता था ये शादी नहीं चलेगी, गलती हो गई आपसे, ऐसा लगता था। लेकिन वो जो 2 साल निकल जाते हैं ना, जो 2 साल जिसके दो ही साल तो नहीं निकल रहे यहाँ पे। अच्छा, इसमें अगर बीवी अच्छी और सुगढ़ हो, कोऑपरेटिव हो तो फिर अच्छा, क्योंकि बंदे बड़े लाउबाली से होते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। बिल्कुल सच बात है, औरत से ही चलता है खानदान। मैं घर चला जाऊं, मेरी बीवी की जरूरत नहीं है कि वो दरवाजा खोले, क्योंकि अक्सर हम लोग लेट हो जाते हैं, फिर मैं कंध टप के जा। खौफ होता है भजन, खौफ पड़ा है। खुशमिजाज यहाँ ही मैं आई कैन बैठ, ये घर में कोई एक जुगत भी नहीं आती होगी। बहुत खुशहाल है माशाल्लाह, माशाल्लाह, दो दो बेगमात हैं। नुस्खा पता कर ले अमानी से, सुनना पड़ेगा। आइडियल सिचुएशन में रह रहे हैं दोनों बेगमात की, आपस में बेइंतहा मोहब्बत है। आपके मुंह में कभी पानी आया दूसरी शादी? मेरा दिल भरा हुआ है। वो कैसे? क्योंकि चक्कर ये है, आपको बहुत से लोग तलाश में थे, मुझे एक अच्छी बीवी मिल गई है। हाँ। तो ये कि अब तो मैं सिर्फ वो मुझे मैसेज भी हुआ रहते हैं कि भाई कैसे आप ठीक ठाक। भाइयों वाले मैसेज आते हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि हम शोबिज के लोग हैं तो हमें ना ये ज्यादा इन सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, तो मैंने अपने मोबाइल पे ना, क्योंकि हमें फोन चोन आ जाते हैं अपना आर्टिस्टों के, प्रोड्यूसर्स के, खवातीन के भी, तो मैंने खवातीन के जितने नाम है उनके आगे चौधरी लिखा हुआ। अच्छा, तो एक मेरी फैन थी, वो रात को 2:30-3 बजे उसने मैं फोन किया तो मैंने उठाया नहीं, तो मेरी मिसेज कहती है चौधरी साहब का फोन आ रहा है, तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूँगा। कौन सा ऐसा चौधरी जिसे तुम रात को बात नहीं करना चाहते? फिर उसने मैसेज किया कि सर आई थ्री मैजिकल वर्ड जो है जी, तो वो फिर चौधरी साहब
का भेद खुल गया। मैं फिर जो मेरी बीवी ने मुड़ के मैंने देखा, मैं साइड से कर पड़े लोग डरे, पूरी कौन सहमी हुई है तो कोई वायरल ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि बातों को पकड़ना शुरू कर देते हैं और फिर वो एक अजीब सी कंट्रोवर्सी सी शुरू हो जाती है। मैं तो ये कहता हूँ माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगे, रिस्क औरत के नसीब का हमारे बुजुर्ग कहा करते थे और औलाद मर्द के नसीब की है। बिल्कुल जी, सरकार में छोटा सा वक्त। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी। जी सरकार, चले कुछ सवाल जवाब करें। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से हार्ड वाले भी। हार्ड वाले अभी नेट प्रैक्टिस होगी। अच्छा, ये जो अब ड्रामा स्क्रिप्ट होता है, पहले हमारी रिवायात और होती थी, नॉर्म्स, और ये अब होता है कि देवर भाभी, ससुर, बहू, और आपने जो ड्रामा किया मशहूर है जमाना, उसमें बच्चा अपनी टीचर को अपने वालिद के लिए पसंद कर रहा होता है। हाँ। ये हमारा माशरा किधर जा रहा है, ये ड्रामा किधर जा रहा है? हाँ भाई, किधर जा रहा ड्रामा तुम्हारा? तुम लोग, मैं आपको बताती हूँ, हम एक्टर्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा ड्रामा ना करूं, लेकिन फिर करना भी पड़ जाता है क्योंकि ये ड्रामे बन रहे हैं। यानी कोई रोल कभी रिफ्यूज आपने भी नहीं किया? आपने भी नहीं? मैं नेगेटिव करती हूँ रिफ्यूज रोल। हाँ, मुझे लगता है कि नेगेटिव मतलब किसी पैसे की लालच वाला मुझसे नहीं होता, हालांकि असल में है ये पैसे की लालच मुझे टीवी पे कैरेक्टर नहीं होता। ये बात भी मान लेना, ऑन एयर के पैसे का लालच बड़ी बात। आपको किस चीज का लालच है? मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटी का जी। रोटी का? वो रोटी पैसे से ही आएगी ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो दरबार से भी मिल जाती है। असी और रांझे हैं जी, जो चोरी नहीं खाते रहे, ये तो भी खा जाएगी। रांझे ने जिहड़ियां मझां चराइयां ने, वो भी तेरे नालों चिट्टियां ने। ये सितारों की चाल, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, You don't believe that? कभी इत्तफाक हुआ स्कूल के दौर में किसी को हाथ दिखाना या तोते से फाल निकलवाना, कोई इस तरह का कोई इत्तफाक? मैं कॉलेज के जमाने में एक दफा दिखाया था हाथ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बस जो है वो दूसरे, पता नहीं क्या, तुम्हारा मियाँ दूसरी शादी कर लेगा और तुम बीमार होके मर जाओगे। तो लास्ट ईयर में मानी खुश हुए नहीं, तो लास्ट मुझे तुमसे मोहब्बत इतनी ज्यादा है, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या हाल है। चलिए, आपकी आज हम फाल निकालते हैं। चलो ठीक है, आज हमारे पास एक फाल वाले साहब हैं, वो जेन्युइन फाल निकालते। फुतूर और टाबूस को करते हुए चकनाचूर, ग्लैमर से पूर नूर, हीरा मानी और उनके मियां हुजूर। थैंक यू सो वेरी मच। हाथ नहीं मिलाना क्योंकि कोरोना है। ही इज पप्पू। ओके पप्पू। एंड दिस इज माय पैट। काफी शक्ल मिल रही है आपको माशाल्लाह से। आवाज भी मिलेगी थोड़ी देर। और ऑनलाइन आप पेमेंट करके अपनी फाइल निकलवा सकते हैं। और अभी यहाँ मैनुअल भी जब मैं निकालूंगा तो मैं पैसे लेने नहीं, जेब ढिलियां कर लो, नहीं तो मैं कोट लुवा लेना। अच्छा, मैंने समझा था शायद मैंने ही मांग के पहने। निकाल लेते हैं, इसमें कौन सा आपका कोई फीडर है? पप्पू पैरट निकालेगा फाल आपकी। मियां बीवी गाड़ी के अगर दो पहिए होते हैं, गाड़ी हो फरारी तो पहिए देते आप ही ग्रिप बन जाती। बिल्कुल ठीक बात कही है। यस यस यस, हीरा साहिबा ने तो पिछले दिनों फरारी दावी दिया। हाँ, दावी दिया, दावी दिया। हाँ, मैंने सुना भी है। आगरा पप्पू निकाल बेटे, क्या बात है, उठा। वाह 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 वाह, हीरा जी की फाल निकल आई है। तीन वो बातें बताऊंगा जो इनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा हाईलाइट बातें हैं। अच्छा, यस। पहली, घबराई भी लग रही है थोड़ी से। फाल के मुताबिक हीरा साहिबा ने आज तक बहुत से लोगों के हाथ देखे हैं,
और फाल बता रही है कि दो लोगों के साथ हाथ किया भी है। वो भाई इसकी दो मंगनियां टूटी हैं और दूसरी मंगनी ये हाथ किया मतलब होता अच्छा, है हाथ तो इधर आ जाना लाहौर आ जा कराची से नहीं नहीं हाँ वो कह रहा है कि देखो जिस जिसके साथ हाथ हुआ है हाँ। उसको समझ आ गई लेकिन ये दूसरी मंगनी तो मैंने तुड़वाई थी वो तो अच्छा, मैं वो तो मैं अच्छा ये पहली मंगनी तो उसको समझ भी नहीं थी कि इसकी हो गई थी तो मंगनी आपने इनके लिए तोड़ी नहीं पहली अपने लिए तोड़ी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या समझ नहीं आ रहा था हलमानी भी यही पूछता है कि दोनों मंगनियों की तस्वीरों में इतनी खुश हो चुकी थी शौक तो नहीं था कहीं मंगनियां करवाने नहीं शौक था दुल्हन बनने का अल्लाह अकबर और सपनों का राजा सिर्फ मानी चाहिए क्या बात सरकार मोहतरम दूसरी बात ये है मेरा साहिबा ने सोशल मीडिया पे काम किया है टीवी पे काम किया है लेकिन नहीं किया तो घर का काम नहीं किया और आजकल इनमें और मासी में कोई फर्क नहीं है पोछे ला रहे ये क्या बात है सफाई का दौरा पड़ता है मैं ऐसे अपने जूड़ा बांध लेती हूँ पर जब मेरा जूड़ा बन जाता है तो ना मेरे करीब मानी आता है ना इब्राहिम ना मुजम्मिल क्योंकि उनको पता है कि जूड़ा ऊपर बनने का मकसद है वो कपड़ों का ब्रांड निकालेंगी एक अपना अरमानी के बाद नया ब्रांड हिरामानी जो तीन बातें मैंने बताई हैं वो वैसे तकरीबन ठीक है कि नहीं और जाते जाते आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जब कभी आपको घर में गुस्सा आ जाता है तो मार्शार आराम से खा लेते हैं सर बिल्कुल एक अच्छा खुद कफील मियां जो होता है थैंक यू सो वेरी मच यार यू आर वेरी गुड यार लव यू लव यू टू कोरोना है ओहो वी लव यू कपू भाई थैंक यू सो ये हमारे फाल भाई पप्पू पैरेट साहब की जो गुफ्तगू है उससे जो दो तीन चीज़ें मोटी मोटी सामने आती हैं वो ये कि एक आपने दो मंगनियां तोड़वाई जो हमें इल्म नहीं था ये बात कह के इनडायरेक्टली सुना तो नहीं रही होती असल में मानी कि मैं फैन अच्छा अभी भी हूँ फैन थी तो मानी को मैं बहुत फॉलो करती थी सिर्फ इसीलिए कि मुझे लगता था कि ये जो सच बोल रहा है इंसान ये कैसे इंडस्ट्री में इस तरह सच बोलता है यहाँ पे तो मैंने बड़े फेक ओह माय गॉड हाय दिस इज अनुशे दिस इज नाहिरा दिस इज फजाना कि वो एक आता था बंदा हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम ये इस तरह का था मानी ना अब मेरी 19 साल की उम्र में शादी हुई थी इससे तो जब आप छोटी उम्र में किसी के साथ रहे ना तो आप उस जैसे होने लगते हैं तो मैं मानी जी छोटी बच्ची से शादी कर ली सही है हम भी छोटे थे तो 8 साल बड़ा हूं तो 8 साल 9 साल 8 साल नहीं उस टाइम पे आई थिंक आपकी बेगम की क्या एज थी जब उनकी शादी हां एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहते हैं जी जी सरकार में जी ये दोनों भी डिफरेंट फील्ड्स के सरकार हैं इधर थिएटर भी किया एक्टिंग भी की कॉमेडी भी की स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं इन्होंने एक्टिंग भी की सिंगिंग भी की ये भी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं कोई फील्ड आपने छोड़ी नहीं छोड़ी नहीं कोई फील्ड नहीं फील्ड ने पकड़ लिया है शायद मैं कहूँगी क्योंकि वो चीजें बस मिलती जाती है स्क्रिप्ट इसलिए लिख रही हूँ कि मैं बड़ों के इमरान अशरफ बनना चाहती हूँ नहीं 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 मियां बीवी में डिफरेंसेस भी होते हैं बहुत होते हैं बहुत हैं बहुत सारी चीजों से चिढ़ भी होती है तो बताइए कोई दो तीन चीजें बताइए तीन ये बहुत बोलता है भाई बहुत बोलता है और सुबह जब इसका एक ही दफा मग्गू क्यों नहीं ठप देती नहीं वो किस किस्म की बातें हैं जो सारा दिन दिमाग में घूमती हैं अपने काम पे ध्यान दो और इसको बेहतर बनाओ ये कौन सी फिल्म देख रही हो इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कुछ और फिल्म देखो जिससे तुम कुछ अच्छा सीख सको कोई अंग्रेजी फिल्म भी देख लिया करो क्या हर वक्त अपनी दोस्तों से बातें करती रहती हो दूसरी में कभी अखबार पढ़ लिया करो कभी न्यूज पेपर पढ़ा करो सबसे खूबसूरत बात है हमने तीन चीजें बोलनी थी तो सरकार ने लिस्ट निकाल के दे दी है वैसे ये सारी बातें ना खवातीन करती होती बीवियां क्या कर रहे हो क्यों खा रहे हो क्यों पी रहे हो नहीं मैं मेरे अंदर एक बहुत सारी औरतें भी मरी हुई है सरकार मेरा तो घर में रोब ही बहुत है अच्छा ले ली जी अल्हम्दुलिल्लाह इतना रोब है बर्तन हो सफाई हो खाना बनाना हो
वो मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, अक्सर अगर मुझे ज्यादा गुस्सा चढ़ जाए तो फिर मैं झाड़ू भी दे देता हूँ। पता नहीं यार तुम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हो। इस तरह ऐसा डेल दे बर्तन झाड़ू, तुम शर्म नहीं आती? बंदा दस दिंदा किवें धोई। अच्छा वैसे ये सारे काम खातिन से मंसूब होने भी नहीं चाहिए, मर्दों को कर लेने चाहिए, अगर वो करते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि मानी इंडस्ट्री के सारे जो अभी न्यूली वेड कपल्स हैं, मानी तुम आइडियल हो उन लड़कों के, क्योंकि वो सारे अपनी बीवियों के साथ वैसे हो गए जो तुम मेरे साथ माशाल्लाह से 15 साल से हो। अच्छा, पढ़ी लिखी बीवी ना बंदे को कैसा इंस्पायर कर रही है, घेर के मारती है, होते हुए आप इतने अच्छे लग रहे हैं, लाओ मैं बता। फिर तस्वीरें भी खींच रही है, सड़िया बुढ़िया रोज पौड़ियों तो डिगियां हो, फरमाइश ही अजीब होती है, इतनी छुट्टी है चल ताए की कब्र से चली। मेरा मानना यह है कि मियाँ बीवी का ही एक रिश्ता है, अगर इसमें अदब और एहतराम रहेगा और एक दूसरे के जो हकूक है उनकी पासदारी रहेगी तो ये तभी निभ सकता है। जहाँ पे आप दोस्ती डालते हैं वहाँ पे कन्फ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स शुरू होती है। दोस्त जो होता है वो होता है जिसके साथ आप बेधड़क अपने मन की बात कह देते हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ये नहीं है जिसमें आप बेधड़क मन की बात कह दें। छोटा सा हम अपने साथियों का, ये मेरे जो पैनलिस्ट हैं उनका इम्तिहान लेना चाहते हैं, मेरे पास 3 तस्वीरें हैं जो मैं मानी साहब को दिखाऊंगा और आपने एक्ट करना है। और मेरे ये जो नुमान में यार दोस्त बन के मियां बीवी क्या करते हैं? कुछ नहीं। मानी साहब आप आएंगे सामने, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, आपने इनको गेस करवाना है। जी पहली तस्वीर। लकीर वजी मेरे ना 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 ना। अच्छा ये यही कर रहे हैं आप? हो सकता है वो रंगत के पर्सपेक्टिव से कह रहे हो कि उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, रंगत ऐसी है। ये चॉकलेट इनको बोला था कलर शेड चॉकलेटी हीरो। ओ यस, अच्छा वहीद मुराद साहब। यस, अरे वाह। दूसरी तस्वीर दिखाता हूं मैं हमारी साहब को। ओके ओ अच्छा 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 अच्छा, एक कौन है? ये है, एक है सही है, ये कुछ सिंगर है मेरा कल। सिंगर है? हाँ। ये सिंगर हो के पटूसियां क्यों मार रहे हैं? स्टाइल भी होता है ना उस सिंगर का, ये स्टाइल है पाकिस्तानी सिंगर है। इस पे कोई इल्जाम भी था लेकिन अच्छा ये घर पाया था लीजर अब अगर आप लोग भूल जाए ना तो ईमान से मैं मान जाऊँ आप। अच्छा जी, हाँ बहुत मुश्किल। मेरी फोटो से नहीं तो कहा रहे हैं कहीं कहीं मिलते हैं आपसे। उससे मिलते हैं? हाँ। वाओ, ओके। ये कुछ शायद नहीं चुकड़ लगे? नहीं, ये उनके बैग से का तरीका है। तुम कुछ बन जाओ। मैं ये बोलता हूँ बब का हम बताएं, इतना महंगाई है कहाँ से लाएं चीजें, अब एक सब्जी भी जाके लो तो 20 रुपए का मिलता है। ये दो दो लोग हैं। हाँ। किस लिए आए हैं यहाँ पे? क्या सुनना चाहते, क्या बताएं? अच्छा बता, क्या बताएं भाई? आज मैं बता ही देता हूँ। ये गलेबन मेरा ख्याल मुईन अख्तर साहब और अनवर मखदूम। अनवर साहब का भी एक अपना डिफरेंट स्टाइल है। अनवर साहब का एक मुनफरिद बात, दरअसल ये मैं और जिया उनकी जिंदगी से तंदुरुस्ती के लिए। जी सरकार में एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि मैं अपने जख्म किसको दिखाऊं, है ना? तो होता यह है कि जब ख्वातीन के साथ ज्यादती होती है, मारपीट होती है, तशद्दुद जिसको बोलते हैं, तो संभाव दिया ख्वातीन वो बैनर लेके बाहर निकल आती हैं, एहतजाज करती हैं, तो कभी मन चाहा कि मैं भी एहतजाज करूँ? नहीं, वो नहीं ये तो बल्कि उल्टा, क्योंकि इसके 4 भाई हैं और इधर भी हम 4 भाई हैं, तो ये जिंदगी इसकी, मेरी भी एक बहन है बेसिकली,
तो इतना इसके लिए बड़ा चिल माहौल है कि वहां से निकल के यहाँ पे आई तो उसको भी उतने ही मर्द सा नजर आता है। मेरी नुमान भाई जबान तेज नहीं है, वो नहीं होती जो लड़कियां जबान से लड़ती हैं, मतलब आई मीन जो बात करती हैं ताने देती हैं। ये अपने भाइयों से के साथ तो मुझे ना मैं ये तो क्या मतलब है यू आर मोर फिजिकल यू क्या मतलब है बैग बनाया हुआ हां तो ये वाला है थोड़ा जो भाई माशाल्लाह ज्यादा हो तो बड़ा फायदा होता है दोनों तरफ से। मेरे दोस्त है बेचारे की शादी हुई उसे कराची ते उदे 4 साल ने जदों कैसी हरकत होती थी तो भाभी अपने भरा बुला लेंदी सी खर्चे ते मेरे ते आउंदे ने दो चार दिन रहिंदे ने उन्होंने खाने दे ये वो मैं कहा यार मेरे को ते दा एको हाल है तू मकान कराची ले ले ताकि ट्रांसपोर्ट से बचे ना हमारी लड़ाई होती थी खामोश हो जाता हूँ। अच्छा हम दोनों का ये प्रॉब्लम है, मैं खामोश हो जाऊँ ये परेशान हो जाता है ये खामोश हो जाए। फिर हमने एक बार डिसाइड की क्या कि जब मुझे गुस्सा आएगा ये घर से निकल जाएगा। हाँ तो फिर फिर तो ये रहता ही बाहर होगा। अच्छा मेरी वाइफ ने मुझे कब कहा, मुझे कहते अगर कभी कभार मुझे गुस्सा आ जाए ना तो इस बात को हंस के टाल दो। और जब मैं बोलूं ये बोल रही थी आप कुछ भी कहो आप हंसे। मैंने कहा अच्छा मैंने एक दफा ट्राई किया उसने मुझे कहा ये तो मैं हंस पाता और चिड़चिड़ती है उन्हें सोटा बांट दिया बस कहां तक शमा जली फिर याद नहीं। इन रोक दे गड्डी इतने रोक दे भाई जवान पहुंच गए हैं भाई पहुंच गए भाई ये फसता है मेरे मुंह में दफा कर फिल्म प्रोड्यूसर जवेद चस्का आप चल के तुहाडे कोल आ गए हैं माशाल्लाह। नुमान भाई मैं तुम्हें मैसेज किया सी देखो मैं एक फिल्म बना रहा हूं। कैसी फिल्म है कौन सी जुबान में है? नुमान भाई अपना दही भल्ले का बिजनेस है माशाल्लाह ये बड़ा चल रहा है भला सबकी खैर। अपने सीरीज वास्ते एक खूबसूरत क्वीट हीरोइन चाहिए। क्वीट? अरे ये हम बैठी माशाल्लाह। अच्छा आपने वेब सीरीज बनानी है? जी वेब सीरीज बनानी। तो आपने जावेद शेख को साइन कर लिया क्योंकि उसके उनके अलावा तो वेब फिल्म लिखी वेब सीरीज भी नहीं जाती। पंजाबी आए आए राजी अगर मेरी फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਵਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਦੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਸਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਚਸਕੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। मुझे ये फिल्म जरूर करनी है। मेरा ऑडिशन बुरा भी हो तो आपको कास्ट देखो तुम हीरो चेंज कर लो मेरा हीरा दे खड़ोते हो गए लगता भैना खड़ोती सुनो चस्का साहब तुम जरूर खर्चा करना है तुम अपनी शादी की वीडियो फड़ो दो गाने बहुत रिलीज कर दो। पता है मैंने अपनी शादी की वीडियो इतनी देखी थी कि मेरे अम्मू ने कहा था इसको केबल वाले को दे दे। कसम मेरे एक्शन चस्का सुख गया है बोलो बेचस्का कह दो बेचस्किया मैं किसी और दी होंदी है होंदी है क्या हो गई हो गई बेचस्किया किसी और होंदी
वे चस्किया वे चस्किया कैमरे के सामने से निकल जाते हैं मैं किसी और दी मैं किसी और दी हो गया मैंने भूल गया ये डॉक्टर हां जी एक्शन वे चस्किया हां जी मैं ना किसी और दी होंगी हो गई फेर करो फेर डॉक्टर का साउंड कैमरा एक्शन एक्शन वे चस्किया हां जी इन्ना खुश भी ना हो मैं किसी होर दी हो गई हाँ वाह मन भुल तो मैंने भूल जा मेरी कास्ट हो गई है एडवांस चेक आपको अभी मिल जाएगा और शूटिंग पर आपने लेट नहीं होना नहीं नहीं मैं ठीक हो गया जी लो जी मेरे लिए खुदा हाफिज़ थैंक यू सर आई पाकिस्तान में किसी फिल्म की ऑफर आई पाकिस्तान से नहीं एक दो ही आई थी वो ज्यादा हीरो पे डिपेंड कर रही थी फिल्म मुझे लगता है कि फिल्म वो करूंगी मैं जो जिसमें मेरी एक्टिंग नजर आए मैंने ऐसे 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 डांस नहीं करना तो मैंने एक्ट करना गाना भी गा छोड़ा इस नन्ही सी उम्र में हाँ क्यों शुरू से शौक था इसको तो पता नहीं मुझे कॉल आई उनकी मैंने कभी ना एफर्ट नहीं की कि जैसे मुझे एफर्ट करनी है कि मुझे ये फिल्म चाहिए या मुझे ड्रामा चाहिए मैं इनफैक्ट सेट पे भी बोलती हूँ अमूमन ये भी बोलती हूँ कि भाई मेरे दो बच्चे हैं और शायद मैं वाहिद हीरोइन होंगी जिसके दो जिसका बच्चे 12 साल का बेटा माशाल्लाह ये मुझे पूरे एशिया पूरे इंडिया में ऐसी हीरोइन नहीं होगी और पूरे पाकिस्तान कहाँ है छुपा लेती है कोई भी प्रोजेक्ट या ड्रामा अगर कामयाब होता है उसकी बेसिक वजह क्या होती है आजकल तो कोई बेसिक वजह नहीं है सर आजकल कुछ भी हिट और कुछ भी फ्लॉप नहीं तो टर्किश ड्रामे क्यों पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इतनी जगह बना रहे हैं क्यों क्योंकि प्रोडक्शन बहुत बड़ी है उनकी नहीं क्योंकि बस पसंद की बात है ना आजकल अब आपको कुछ भी पसंद आ सकता है आप कोई 100% श्योर नहीं है कि आप बड़े बजट की फिल्म बनाएंगे और आप फलाना हीरोइन लेंगे तो वो हिट हो जाएगी अब नवाजुद्दीन जिस तरह एक्टिंग करता है यहाँ पर उसको ना बूम माइक पकड़ाएंगे जिसकी लुक है ठीक है मैं आपको बता रही हूँ कैसे करता है मतलब उसका एक अंदाज है एक्टिंग का वो हिट है तो आपका अपना अंदाज जरूर होना चाहिए वो हिट आप समझती है कि आपके जितने को स्टार्स हैं उनके अपने अंदाज नहीं तो वो भी तो हिट है बाकी स्टार्स सारे हिट हैं क्योंकि सबके हर वो बंदा हिट है जिसका अपना ही कोई अंदाज है जो रॉ है और जो अपनी तरीके का नो स्टाइल इज अ स्टाइल आप कंफर्टेबल हो वो स्टाइल है आपको सब पसंद करते हैं इसका मतलब आप में कोई मसला है सब नहीं पसंद करने हमारे आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं लोग अब तो हाँ अब तो कर ही रहे हैं और जब भी करते थे तनकीद बराए तनकीद करते हैं आज के ड्रामे और पहले के ड्रामों में आज से 20-25 साल पहले बहुत ज्यादा फर्क सर मैं एक बात कहूँ उसमें मेरा भी एक व्यू है 25 साल पहले अगर ड्रामा बन रहा होता और नीचे अगर कमेंट्स आ रहे होते तो आधे एक्टर भी घर बैठे होते उस टाइम पे बता रहा हूँ मैं आपको अगर कमेंट्स नीचे चल रहे होते हैं क्या एक्टिंग कर रहा है भाई किसको सुना रहा है ये भाषण ये अगर नीचे लिखा हुआ था आधे लोग डिप्रेशन में जाते वो भी फेस करते हैं हमारे साथ अलमिया ये है मैं अक्सर ये कहता हूँ हम लोगों के साथ फनकारों के साथ अलमिया ये होता है कि जब लोग हमें गाली निकालते हैं हम वापस जवाब नहीं दे सकते हमारी मजबूरी है ये हमारा बड़ापन है नहीं हमारी मजबूरी नहीं है बात में एंड करते हैं कि मुझे समीना पीर ज़ादा साहिबा ने पूछा कि कब अदाकारी नहीं करते तो मैंने कहा जब मैं गुस्सा खाने में अकेला होता हूँ खास कर अगर आप कुछ गुनगुना दें बिल्कुल बिल्कुल रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना बोलो ना रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना बोलो ना खुशबू बनके मानता है कि नहीं सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे तू जो करे प्यार मुझसे छोटा सा घर तुझको दूंगा
साथी बनूंगा। सोना हाय चार और पांच कमरों की जाली कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूं। सॉरी यार ये शादी नहीं हो सकती। सोना